स्थिति आज आप के पेट्रोल की है, उससे कहीं भयानक स्थिति बनेगी। बहुत मतलब इतना उतना जो पानी उन्होंने इकट्ठा किया उतने इकट्ठा आधे घंटे के अंदर आधे ही घंटे के पूरे दिन का अंदर दिनचर्या पूरे उसी दिन का से चल चलना रहा है, शरीर नसर है। इसके बाद में तो कुछ है नहीं, जबकि जला दे रहे हैं वो ठीक है। है। तो अभी हम अपने सफर में आ गए हैं पटेल नगर, और पटेल नगर की रिहाइश में जिनकी मुख्य भूमिका रही है, और साथ ही साथ इन्होंने देश हित में भी अपना योगदान दिया है और आगे भी देते रहेंगे, वो किस तरह से ईमानदारी से टैक्स पे करके 1 करोड़ रुपए का टैक्स लगभग अभी तक ये पे कर चुके हैं। सुशील पटेल जी, हमारे आदरणीय चाचा जी के साथ हम बैठे हुए हैं, तो उनसे मुलाकात करवाते हैं। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बस भाई यहाँ ठीक है। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पटेल नगर की जो ये रिहाइश हुई है, जो लोग बसावट हुई है यहाँ पे, इसकी शुरुआत कैसे करी आपने? मतलब क्या आपकी जर्नी रही और क्या मतलब अप डाउन्स रहे जो आपने फेस किए? पहले हमारे पिताजी वो भी कॉन्ट्रेक्टर थे, ये इंदिरा कैनाल जो है शारदा सहायक बनी हुई है लखनऊ में, हाँ इस पे उन्होंने काम किया था, इसका निर्माण कार्य उन्होंने करवाया था। लेकिन वो आज लगभग 70 के दशक में उन्होंने 70 से 80 के बीच में इसका निर्माण हुआ था इंदिरा कैनाल का, तब उन्होंने ठेकेदारी की थी उसमें। तो उस समय बहुत रेयरेस्ट गांव में लोग काम करते थे, बहुत ही बिरले लोग इस लाइन में थे, बाहर की कंपनियां होती थी, यहाँ कोई काम जानता ही नहीं था, तब पिताजी काम चलाते थे। उन्हीं के साथ में मतलब बहुत छोटा था तब उन्होंने किया, उसके बाद में भट्ठे का मेरा व्यवसाय रहा, भट्ठे का काम हम लोगों ने किया, उन्हीं के साथ में किया, सीखा हमने, एजेंसी भी हमने गैस की खोली। उसके बाद में शहर आ गया, लगभग 27-28 साल पहले मैं लखनऊ, मेरा गांव भी यहीं अब्बास नगर है, अच्छा, बाद में तो जनता वहाँ से लखनऊ ही है। लखनऊ आ गए। जी, लखनऊ आ गए। लखनऊ में फिर मैंने अपना जो है एक व्यवसाय शुरू किया, पढ़ाई के साथ साथ ट्रैवल्स का, ट्रैवल्स के में सरकारी गाड़ियों में हम लोग अपना अपनी गाड़ियाँ भी गवर्नमेंट को देते थे। फिर धीरे धीरे जो है इसके जो पिताजी हमारे करते थे वो हम लोगों सीखा निर्माण कार्य का, तो हम लोग ठेकेदारी लाइन में आ गए, जैसे PWD हो गया, इरिगेशन है, मंडी परिषद है, निर्माण निगम है, भारत सरकार के कई विभाग थे, उनमें हम लोगों ने काम किया। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि कुछ और बड़ा किया जाए। पहले हम शहर के दूसरे छोर में रहते थे, कहाँ गोमती मैं, फिर इधर आए, नीलमथा एरिया है हमारा ये, यहाँ फिर देखा तो इस पूरी लैंड को हमने अपने हिसाब से लोगों सहयोग से इसमें और यहाँ को डेवलपमेंट किया, पूरा रोड और बिजली का पूरा कार्य कराया। अच्छा, मतलब जो भी बेसिक सुविधाएं थी एकदम नींव से आपने शुरुआत जी। करी। फिर लोगों ने ही हमारा तो कुछ नहीं था, लोगों ने सब लोगों ने कहा इसका नाम जो है वो पटेल नगर होना चाहिए, क्योंकि आपने इतना कुछ किया है, इसीलिए फिर इसका पटेल नगर नाम पड़ा। अब हमारे मोहल्ले में लगभग 1,000 के आसपास अच्छा मकान बने होंगे, कितने साल हो गए इसे? यहाँ लगभग 20 साल का सफर है। अच्छा, 20 साल हो गए। हाँ, लगभग इसे पटेल नगर में ही अभी भी डेवलपमेंट का कार्य अभी चल रहा है। धीरे धीरे बेसिक सुविधाएं करनी पड़ती हैं, क्योंकि चल गवर्नमेंट से कुछ बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है, रहा आपसी सहयोग से हम लोग करते हैं। जी, तो सरकार के कामों में राष्ट्रीय लोग सहयोग भी करते रहते हैं, अच्छा, नियमित टैक्स देते हैं, और जो भी आपका टैक्स बनता है वो सरकार के प्रति जनता के प्रति जवाबदेही बनाते हुए अपनी उसको नियमित जमा करते रहे, उसमें टैक्स चोरी लोगों को नहीं करनी चाहिए। मैं अपने क्षेत्र में ही देखता हूँ, यहाँ इतने बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों चलते हैं, जिनके पास महंगी गाड़ियाँ हैं, लेकिन टैक्स के नाम पर वो लोग कुछ नहीं देते हैं, टैक्स देने में वो पीछे हटते पीछे हट जाते हैं। हैं। तो हमें लगता है कि ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, पैसा कमा रहे हैं उसका क्या मतलब है, जो कुछ है यहीं रह जाएगा, आप कुछ लेके नहीं जाएंगे। तो सभी को ईमानदारी से टैक्स पे करना चाहिए। तो
एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, जो आने वाले समय में आजकल बहुत ज्यादा हाईलाइट है और हमें लगता भी है कि आने वाले समय में पानी की कमी हो जाएगी, ग्राउंड लेवल जो है वाटर का वो काफी हद तक कम होता जा रहा है और नीचे होता जा रहा है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमने भी अपना जो मकान बनाया तो मेरे यहाँ स्टेटा जो है उसमें करीब 35 फीट पे पानी था जी, और आज यहाँ लगभग 135 फीट पे पानी है इन 20 सालों में, निर्मथा में ही मैं देख रहा हूँ। अब लोग अनावश्यक पानी मोटर चला देते हैं, बह रहा है। हम लोग तो बहुत पहले शिमला गए थे जी, आज से लगभग 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ, हमारे दोस्त हैं वहाँ पे, तो वहाँ जिसके यहाँ मैं जा रहा था तो लोग पानी नहीं दे रहे थे पीने के लिए, कोल्ड ड्रिंक पकड़ा रहे थे। अच्छा, मैं समझ नहीं पा रहा जिसके यहाँ जाओ कोल्ड ड्रिंक निकाल के दे रहा है। मतलब कहने का ये है कि पानी महंगा है, कोल्ड ड्रिंक सस्ती है। कोल्ड ड्रिंक सस्ती है। फिर वहाँ मैंने देखा कि बताइए आधे घंटे पानी आता है, आधे घंटे में पानी को आपको कलेक्ट करना है, उसी से आपको पूरा घर का कार्य करना है और अपना नहाना धोना सब उसी में करना है। तो उतना जो पानी उन्होंने इकट्ठा किया उतने आधे घंटे पूरे दिन का दिनचर्या चलना है। हम देखते थे कि उसी पानी को उन लोगों नहाते थे, नहाने के बाद उसी पानी से वो लोग धुलते थे कपड़े, ये व्यवस्था वहाँ मैं देखा था। मतलब कहने का मतलब है कि वो उतने पानी में इतना बचाते थे और बहुत सारे काम निपटाते थे। हमारे यहाँ क्या है, हमें एक गिलास ही पानी पीना है तो पूरा हम मोटर ऑन करेंगे, कई बाल्टी पानी उसमें निकालते हैं पहले, फिर जब ठंडा पानी आता तो उसको हम लोग पीते। देखिए पानी गाँव से 10-10 किलोमीटर दूर लोग जाते हैं पानी लेने के लिए, वहाँ से पानी बेचारे लेके घरों पे सर पे रख के लाते हैं। ये स्थितियाँ बन चुकी हैं, अगर हम लोग सुधार नहीं लाएंगे तो आने वाले समय में जो स्थितियाँ बाहर की हैं वो हमारे यहाँ भी हो जाएंगे। हम लोगों को पानी कम से कम जहाँ जरूरी उतना यूज करना चाहिए, वेस्ट पानी नहीं करना चाहिए। यहाँ तो हम लोगों के यही है कि चलिए ठीक है अभी कुछ दिख नहीं रहा है, अभी तो पानी हमको मिल रहा है, लेकिन आगे वाले जो पीढ़ी आएंगी उनके लिए हम नहीं सोच रहे हैं। जो स्थिति आज पेट्रोल की है उससे कहीं भयानक स्थिति बनेगी, उससे महंगा पानी बिकेगा। अगला मुझे जहाँ तक लगता है जो लोग कहते हैं अगला बार जो भी कुछ होगा अगर तो पानी के लिए ही होगा, विश्व में संकट आएगा इसका अगर हम लोग ध्यान इस पर नहीं देंगे। चाचा मुझे जैसा आपकी हिस्ट्री से पता लगा है कि आप हर तीसरे महीने पे आप रक्तदान करते हैं तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि मैंने देखा है कई हॉस्पिटल्स में जैसे लोग एकदम पेशेंट आता है उससे बहुत ज्यादा जरूरत होती है खून की, और उस समय सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि मतलब परिवार परेशान हो जाता है कि अब ब्लड बैंक में खून होता नहीं, वो देते नहीं इजिली, वो मंगाते हैं कि आप घर से 2 यूनिट लाओ तो हम आपको 2 यूनिट देंगे, तो उस सिचुएशन में मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। रक्तदान करना चाहिए, रक्तदान से दो एक तो अपने लिए आप अपने लिए भी कर रहे हो जी। आपकी बॉडी से जब खून निकल जाता है तो नया खून बनता है, जब नया खून बनेगा तो फिर नई एनर्जी आपके अंदर आएगी, बीमारियां खत्म हो जाएगी। आप नियमित अगर खून देते हैं तो आपके अंदर पहली बार तो बीमारी नहीं होगी, बीमारी लगभग 90% खत्म हो जाती है, तो आपको खून तो वैसे भी देना चाहिए। दूसरा जो गरीब लोग होते हैं जिनके कोई नहीं होता आगे भी, तो भी किसी को आवश्यकता हुई, कोई ऐसा बंदा है जिसके पास परिवार में कोई और नहीं है, तो उन लोगों के लिए आपका खून जो है जीवन दान के रूप में जीवन दान के रूप में आता है। सही बात है, इसलिए जरूरी है कि आप जो भी स्वस्थ लोग हैं उन्हें नहीं ज्यादा तो साल में 2 बार या एक ही बार उनको डोनेट करना चाहिए कम से कम। एटलीस्ट मतलब एक बार तो साल में तो एक बार करना चाहिए, और इससे फायदे बहुत हैं। जो लोग डरते हैं मैंने लगता है बहुत लोग कहते हैं नहीं नहीं खून निकल जाएगा तो कैसे क्या होगा, मैंने तो हर बार लगभग जो है खून निकलवाने के बाद अपने सारे काम किए हैं, कहीं भी 1 घंटे का मैंने रेस्ट नहीं किया है, तो ऐसा कुछ है नहीं उसमें, लोगों को इसकी फीलिंग होती है, बाकी खून निकलने से शरीर में कोई फर्क नहीं पड़ता। दिमाग में मिथ है कि ब्लड देने से कमजोरी हो जाएगी या फिर ऐसा होगा, कुछ भी हमें तो आज तक एहसास नहीं हुआ, बड़ा अच्छा लगता है, अपने आप को सुकून मिलता है, बिल्कुल अपनी टीम भी बढ़ रही है, तो लोग खून देने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। आपने काफी लोगों को मोटिवेट किया आपसे जुड़े हैं। हाँ हाँ हाँ, और मैं तो ये भी कहता हूँ कि जैसे बॉडी है इसका शरीर को भी देहदान करना चाहिए, लोग नहीं पूरा करें तो आप आंखें हैं उसको डोनेट कर सकते हैं, जिससे जो और भी जरूरतमंद तक पहुँचाए। ये तो सबको पता है शरीर नसर है, इसके बाद में तो कुछ है नहीं, लेकिन हम लोग तब भी कल्पना नहीं कर पाते हैं कि जीवन खत्म होने के बाद भी नहीं दान दे पाते हैं, जबकि जला दे रहे हैं वो ठीक है, अपना डोनेट कर दें तो किसी काम आ जाएगी।
अच्छा, आने वाले किसी प्रोजेक्ट के बारे में बताइए जो आप आगे सोच रहे हैं अपना। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ असहाय लोगों को और जो 60 साल से ऊपर वाले लोग हैं, जो अपने परिवार से, जिनके परिवार में के लोग साथ में नहीं रहते हैं, और मैंने देखा है कि जिनके बच्चे पढ़ भी जाते हैं, बहुत अच्छे निकल जाते हैं, वो भी अपने माता पिता का बहुत ध्यान नहीं दे पाते हैं, वो बेचारे अकेले ही रहते हैं। उन लोगों के लिए एक आश्रम बनवाएंगे जिसमें खाने की और रहने की व्यवस्था, निःशुल्क दवाइयाँ निजी आय से करेंगे। तो हम लोगों का यही मिशन है। तो आपके ज़िंदगी के जो अनुभव हैं, तो मैं चाह रहा हूँ हमारे चैनल के माध्यम से भी आप हमारे जो युवा पीढ़ी देख रही है या जो लोग आगे कुछ अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं बड़ा, तो उनके लिए एक संदेश दीजिए। ये आपका चैनल तो बहुत अच्छा लगता है, हम लोग भी देखते हैं इसको। आप लोग पूरे इंडिया में कवर करते हैं, बहुत अच्छा है। हमारी शुभकामनाएं भी आप लोगों से हैं कि आप लोग ऐसे ही बढ़ते रहें। हमारा यही रहता है कि आप ईमानदारी से अपना कार्य करें। ईमानदारी ही एक ऐसा मंत्र है जिससे आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। कुछ क्षणिक समय के लिए आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो सब सही होता है। तो इसी के साथ चाचा का ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं, क्योंकि अपने बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल से उन्होंने टाइम निकाला हमारे लिए। तो चाचा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने आकर के हमारा ये साक्षात्कार लिया। आपका चैनल बहुत आगे बढ़े, हमारी शुभकामनाएं। क्योंकि चाचा के साथ अच्छा लगा मिलकर, बात करके अच्छा लगा। तो यहीं पर करते हैं वीडियो को समाप्त। तो चाचा फिर ठीक है, धन्यवाद।